अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज बीएड के कोर्स कोड 8610 के यूनिट 7 के साथ आपके सामने हूँ। लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से ही आपका यूनिट है, ठीक है। तो देखते हैं कि आज के यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। आज के यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आफ्टर द स्टडी ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब व्हाट इज लैंग्वेज एंड हाउ इट डेवलप्स। आपको समझ आ जाएगी कि लैंग्वेज क्या चीज़ है और ये किस तरह से डिवेलप होती है। डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग द लैंग्वेज ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, कुछ थ्योरीज देखेंगे एज यूजल, एंड डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग द डिवेलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के साथ साथ देखेंगे एक्सप्लेन डाइवर्स कंपोनेंट्स इन इन्वॉल्व्ड इन द डिवेलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो लैंग्वेज की डिवेलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। डिस्क्राइब हाउ एनवायरमेंट अफेक्ट द लैंग्वेज डिवेलपमेंट। एंड फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लेन डिवेलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एट प्री स्कूल एंड किंडरगार्टन लेवल, एंड देन डिवेलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एट एलिमेंट्री लेवल। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस यूनिट, व्हाट इज लैंग्वेज। आपके ख्याल में लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी सिग्नल्स सच एज वॉइस साउंड्स जेस्चर्स और रिटन सिंबल्स। लैंग्वेज एक ऐसा बातचीत का जरिया है जो आपकी सोचों को, आपकी फीलिंग को, आपके महसूसात को कन्वे करता है दूसरों तक, समटाइम्स इशारों में, समटाइम्स आवाज़ के साथ, और बाज़ दफ़ा आप बॉडी लैंग्वेज के साथ अपनी बात को कन्वे करते हैं या फिर आप लिख कर कन्वे करते हैं। When you know a language, you can speak or sign and be understood by others who know the language. जब आप किसी भी जबान को समझते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं या उस लैंग्वेज के तहत आप उसके सिग्नल्स को, साइंस को डिस्प्ले भी कर सकते हैं अपनी तरफ से और समझ सकते हैं कि दूसरे आपकी इस लैंग्वेज को किस तरह से, आप दूसरों की लैंग्वेज को किस तरह से समझ सकते हैं उनकी बातचीत को। 5-year-old child already know their first language. 5 साल का बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, उसको ज़रूर जानता होता है 5 साल की उम्र तक। और आपको पता है कि 5 साल की उम्र को हम प्री स्कूल किंडरगार्टन में शामिल करते हैं। द एबिलिटी टू यूज़ अ लैंग्वेज रिक्वायर प्रोफाउंड नॉलेज दैट मोस्ट स्पीकर्स डज नॉट नो, डोंट नो दैट दे नो। बहुत सारी जो लैंग्वेज की प्रोफिशंसी है वो बोलने वालों को पता ही नहीं होती है कि कौन कौन सी प्रोफिशंसी उनको बातचीत के दौरान चाहिए होती है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, किस तरह से कहना है, कौन से अल्फाज मुनासिब हैं, कौन सा तरीका मुनासिब है, ये सारी चीज़ें सबको अंदाज़ा नहीं होती हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है? एट 9 months इन्फेंट्स कैन डिस्टिंग्विश द साउंड ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। 9 माह का बच्चा जो है वो अपनी ही लैंग्वेज, अपने ही आवाज़ों को, डिफरेंट आवाज़ों को फ़र्क महसूस कर सकता है। बाय 18 months चिल्ड्रन पोजेस अ वोकैबुलरी ऑफ अबाउट 300 to 100 words। 18 माह तक की उम्र के बच्चे के पास ये काबिलियत होती है लैंग्वेज के हवाले से कि उसके पास वोकैबुलरी, ज़खीरा अल्फाज जो है उसका, वो 300 to 100 लफ्ज़ों तक मुश्तमिल होता है। एट अराउंड 30 months चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू 2 words, अटरेंस और टेलीग्राफिक स्पीच। इट कंसिस्ट्स ऑफ मोस्टली नाउन एंड वर्ब विद फंक्शनिंग वर्ड मोस्टली ओमिटेड। 30 मंथ का जो 2.5 साल का बच्चा है वो दो इस तरह की लैंग्वेज बोल सकता है जिसमें दो तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए गए होते हैं, एक नाउन और एक जो वर्ब, जो काम हो रहा होता है, और इसको कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं वो नहीं यूज़ किए होते, पूरे पूरे सेंटेंसेस वो नहीं बोल पाता है। जैसे कहता है मुझे खाना, ये नहीं कहता कि मुझे खाना खाना है। अच्छा, एज
2.5 to 5 years, ढाई साल से 5 साल तक के बच्चे की वोकैबुलरी इंक्रीज होती है ट्रेमेंडसली, बहुत हैरत अंगेज हद तक, और बहुत तेजी से वोकैबुलरी बिकम्स मोर अडल्ट लाइक, बड़ों की तरह की उनकी वोकैबुलरी उस वक्त बन चुकी होती है। रिफरेंशियल लैंग्वेज डेवलपमेंट, चिल्ड्रन एट फर्स्ट एक्सप्रेस ओनली वर्ड्स एंड आफ्टरवर्ड ज्वाइन देम टुगेदर, पहले बच्चे सिर्फ अल्फाज को ही इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो इनको जोड़ना सीखते हैं, दो अल्फाज को जोड़कर बोलना सीखते हैं, पहले सिंगल वर्ड्स यूज करते हैं। एट फर्स्ट इनटू सेंटेंस कंप्राइजिंग ऑफ टू वर्ड्स एंड लेटर इनटू सेंटेंस कंप्राइजिंग ऑफ थ्री वर्ड्स, पहले वो एक लफ्ज बोलना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद वो दो लफ्ज बोलना शुरू करते हैं, और आखिर में आकर वो दो और उससे ज्यादा अल्फाज को मिलाकर जुमला बनाना सीखते हैं। इट इज स्टाइल ऑफ राइट टाइम लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इन विच चिल्ड्रन यूज लैंग्वेज फॉर द मोस्ट पार्ट टू लेबल ऑब्जेक्ट्स, जो भी चीज़ें उनके सामने होती हैं जब उनको एक एक चीज़ का, जैसे वो बच्चे क्वेश्चन भी ज़्यादा करते हैं छोटे जब बोलना शुरू कर रहे होते हैं, ये क्या चीज़ है, या हम उन्हें बताते हैं देखो ये आपका फीडर है, ये आपका गिलास है, ये टेबल है, ये चेयर है, तो जिस तरह के ऑब्जेक्ट्स हम घर पे मौजूद होते हैं वो उनको हम उनके नाम याद करवा देते हैं, तो इस तरह से उनकी लैंग्वेज का स्टार्ट होता है बोलने का, बोलने के लिए वोकैबुलरी के हवाले से। This style is useful to young children because this way extends their understanding of vocabulary. जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि उनको इस तरह से जो उनके vocabulary का knowledge है वो increase होता है। Expressive language development, अब हम देखेंगे कि expressive language development के हवाले से, kids first utter sounds like babbles that copy the rhymes and beat speech, जो भी मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें हैं बच्चे ऊँ आ वगैरह इस तरह की बेमैनी आवाज़ें जिनको वो पहले इस्तेमाल लैंग्वेज डिवेलपमेंट में पहले वो इस तरह की मुख्तलिफ साउंडस निकालना सीखते हैं, उसके बाद मोस्ट किड्स यूटिलाइज अ ब्लेंड ऑफ दीज स्टाइल्स, मुख्तलिफ बच्चे इन आवाज़ों के ब्लेंड मुख्तलिफ ब्लेंड्स यूज़ करते हैं, कोई किसी तरह की आवाज़ निकालता है, कोई किसी तरह की साउंड परफॉर्म करता है। उसके बाद है अनदर कॉमनली यूज्ड स्टाइल इन्वॉल्व इन लैंग्वेज लर्निंग इज एक्सप्रेसिव स्टाइल, जो ज़्यादा कॉमन है, जो ज़्यादा लोगों में, ज़्यादा बच्चों में स्टाइल देखा गया है बोलने का, वो है एक्सप्रेसिव स्टाइल, यानी मुख्तलिफ आवाज़ों का, साउंड्स का इस्तेमाल। इन दिस स्टाइल लिटिल चिल्ड्रन अप्लाई लैंग्वेज टू डिस्कस देयर स्पेसिफिक इमोशंस एंड रिक्वायरमेंट्स, जब बच्चे थोड़ी इस तरह की बेमायनी आवाज़ों से ही अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपने इमोशंस का इजहार करते हैं, समटाइम्स आप देखें कि बच्चे खुश होते हैं तो वो खिलखिलाकर हंसते हैं, तो उनके हंसने का स्टाइल भी डिफरेंट, बच्चों का डिफरेंट ही होता है, तो वो एक तरह की साउंड्स होती हैं जो हंसने की, वो डिफरेंट होती हैं हर बच्चे में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्री स्कूलर जो बच्चे हैं वो क्या किस तरह से साउंड्स का यूज़ करते हैं। प्री स्कूल इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज सिमेंटिक्स, नेक्स्ट स्लाइड्स पर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ ये सिमेंटिक और दो जो दूसरी टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो क्या क्या हैं। From age 6 to 17 the vocabulary continues to expand. 6 से 17 साल की उम्र तक जो आपके ज़खीरा अल्फाज है वो मुसलसल बढ़ता चला जाता है। देयर इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड यूज ऑफ कम्प्लेक्स वर्ड्स इन सेंटेंसेस, इस तरह से जो पेचीदा और मुश्किल अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल भी जुमलों में उम्र के हिसाब से बच्चों का बढ़ता चला जाता है। अ पर्सन लर्न्स अबाउट 13 वर्ड्स अ डे अनटिल दे आर 17, जब तक बच्चे 17 साल की उम्र तक पहुँचते हैं तो वो डेली कितने लफ्ज़ सीखते हैं, 13 नए लफ्ज़ सीखते हैं। उसके बाद है अ लैंग्वेज डिवेलपमेंट इज़ द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट लैंग्वेज, डेवलपमेंट जो ज़बान की है वो एक प्रोसेस है कि हम किस तरह से बोलना सीखते हैं, किस तरह से अपनी बात पहुंचाना सीखते हैं, किस तरह से दूसरों की बात समझना सीखते हैं। रेफरेंशियल लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ डिनोटेड एज लेबलिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स,
अभी जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड पर बात की थी कि रेफरेंशियल लैंग्वेज के हवाले से कि डिफरेंट चीज़ों के नाम जब बच्चे सीखते हैं तो वो रेफरेंशियल लैंग्वेज कहलाती है। इन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट चिल्ड्रन डिस्कस देयर इमोशंस एंड नीड्स, जबकि एक्सप्रेसिव जो लैंग्वेज का एक फेज है, स्टेज है, वहाँ पर बच्चे अपने इमोशंस और नीड्स को बयान करना, डिस्क्राइब करना सीख चुके होते हैं। ट्रांजिशन इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, अब हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रांजिशन होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, किस तरह से कौन सी स्टेजेस हैं और किस तरह से बच्चे उसमें ग्रो करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में। फर्स्ट ट्रांजिशन अकर व्हेन फर्स्ट ईयर एंड्स एंड इट प्रोसीड्स इन द स्कूल ईयर विद द इमर्जेंस ऑफ वर्ड्स इनटू एसेंशियल वोकैबुलरी। बच्चों का पहला जो ट्रांजिशन है लैंग्वेज का, वो पहले साल के एंड पे स्टार्ट होता है और फिर वो प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है जब तक कि उनके स्कूल जाने की उम्र आती है। 5 साल तक की उम्र तक ये फर्स्ट ट्रांजिशन पीरियड है जो चलता है। सेकंड ट्रांजिशन हैपन्स व्हेन चिल्ड्रन चेंज फ्रॉम सेइंग वन वर्ड एट वंस टू ज्वाइन वर्ड्स इनटू एक्सप्रेस एंड बेसिक सेंटेंस अबाउट द एंड ऑफ स्कूल ईयर। स्कूल ईयर के एंड तक बच्चों की जो, यानी पहले साल जब वो स्कूल में अपने हम उम्र फ्रेंड्स के साथ होते हैं, तो तब उनका जो ये ट्रांजिशन है लैंग्वेज की, वो एक जुमले में मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल तक होती है। थर्ड ट्रांजिशन हैपन्स वेन किड्स मूव आफ्टर यूटिलाइजिंग सिंपल सेंटेंस टू एक्सप्रेस वन थाट टू कम्प्लेक्स सेंटेंस कम्युनिकेशन डिफरेंस डिफरेंट थाट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। जब वो पेचीदा ख्यालात का इजहार करता है और अपने ख्यालात और अल्फाज को एक साथ कंबाइन, उनका रिलेशनशिप जो है, की साइंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। बेबलिंग एंड जेस्चर, पहली जो की साइंस हैं, यानी कौन कौन से इंडिकेटर हैं जिस पे पता चलता है हमें कि बच्चों के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है, तो बेबलिंग एंड जेस्चर यानी हरकात और सकनात के ज़रिए अपनी बात को, अपने अपनी फीलिंग्स का, इमोशंस का इज़हार करना। चिल्ड्रन डायनामिकली मेक साउंड्स फ्रॉम बर्थ टू ऑनवर्ड ईयर्स टू अट्रैक्ट अटेंशन। जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो रोते हैं, रोने की आवाज़ ही उनकी लैंग्वेज होती है, और इसी तरह से डिफरेंट साउंड्स जो हैं वो अटर करते हैं, अदा करते हैं अपने इर्द गिर्द वाले लोगों की तवज्जो लेने के लिए, अपनी मदर की तवज्जो लेने के लिए। दीज कंटिन्यू टिल द मिड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 6 माह तक की उम्र तक ये बेबलिंग और जेस्चर के थ्रू ही जारी रहता है। बच्चे जैसे हाथ पांव हिलाते हैं और रोने लग जाते हैं अपनी, जब उनको भूख लगी है या फिर नींद आई है। क्राइंग इन्फेंट इवन क्राई ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ विच कैन इंडिकेट ट्रबल, बट दीज साउंड्स इंडिकेट मैनी अदर थिंग्स आल्सो। छोटे बच्चे का जो रोने का है, अब ये मुख्तलिफ जो साउंड्स हैं या जेस्चर्स हैं उनको डिटेल में थोड़ा जिक्र किया जा रहा है। तो पहली बात कर रहे हैं रोने के हवाले से, इन्फेंट्स इवन क्राई ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब वो पैदा होते हैं तब भी वो रोते हैं। विच कैन इंडिकेट ट्रबल, बट जो एक एक मुश्किल की तरफ भी इशारा कर सकती है, लेकिन यही साउंड्स हैं, यही आवाज़ें हैं जो कुछ और वजह भी हो सकती हैं, उनकी जो एक्सप्रेशन है, जो उसका इजहार है बच्चे का, किसी और चीज़ का भी हो सकता है सिवाय इसके कि वो किसी मुश्किल में ही हो तो रोए। कोइंग यानी खुशी से, जैसे बर्ड्स चहचहाते हैं इस तरह से, जब खुशी की जो आवाज़ें हैं। चिल्ड्रन फर्स्ट अटर मर्मरिंग साउंड्स विच आर प्रोनाउंस्ड फ्रॉम बैक साइड ऑफ द थ्रोट एंड जनरली कन्वे डिलाइट ऑन इंटरेक्शन विद केयर गिविंग पर्सन्स। तो जब भी हम यही बात करें कि जो खुशी की आवाज़ें होती हैं, वो खुशी की आवाज़ों का जो इजहार है वो कब होता है, जब उसकी मदर पास होती है या कोई केयर गिवर पर्सन है उसकी मौजूदगी में, और उसके साथ बात करते हुए जनरली बच्चे जो आवाज़ निकालते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, वो उनके हलक के पिछली साइड से प्रोनाउंस होती है, निकलती है। बेबलिंग एमिड सेंटर ऑफ द फर्स्ट ईयर चिल्ड्रन बेबल, दिस इज
दैट इज द डिलीवर सीरीज ऑफ कंसोनेंट्स। तो ये मुख्तलिफ जो उनकी हरकत व सकनात हैं उसके तहत बच्चे अपने मुख्तलिफ जो लैंग्वेज के फेजेस हैं उनसे गुजर भी रहे हैं और उनका उस तरह से वो इजहार भी करें और उसकी डिवेलपमेंट को ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। जेस्चर न्यू बॉर्न चाइल्ड बिगिन यूटिलाइजिंग मोशंस दे मे हैव बाय नोड देयर हेड टू सिग्निफाई यस। जब आप छोटे बच्चों के साथ उनको बाय बाय करते हैं या उनको सलाम करते हैं तो वो थोड़ा अपने सर को हिलाकर, जब आप बाज़ दफ़ा कहते हैं कोई भी चीज़ छोटे छोटे बेबीज़ के साथ आप एक्सपीरियंस करें, 5-6 माह का बच्चा है, आप उनको कहते हैं दूध पियोगे, वो कहता है नहीं, उसने सर नहीं में हिलाना है, अगरचे वो पीना भी चाहता हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके जेस्चर वही हों जो वो कहना भी चाह रहा है, क्योंकि उसकी कोऑर्डिनेशन अभी जेस्चर्स की और उसकी फीलिंग्स की नहीं बनी होती। रिकग्नाइजिंग लैंग्वेज साउंड्स, अब हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज साउंड्स हैं उनको किस तरह से पहचाना जाए। फ्रॉम बर्थ अप टू 6 मंथ ऑफ एज न्यू बॉर्न चाइल्ड परसीव्स साउंड्स व्हेन दे चेंज डिस्पाइट व्हाट लैंग्वेज दे ओरिजिनेट। वो किसी भी जबान से उनका ताल्लुक हो लेकिन वो बच्चे एक तरह की डिफरेंट, मतलब बच्चों में आवाज़ें डिफरेंट ज़रूर होती हैं लेकिन होती वो साउंड्स ही हैं। जो 6 माह तक बच्चे डिफरेंट, उसमें कोई भी उनकी लैंग्वेज होगी वो सिर्फ वही आवाज़ें ही उनकी हलक से निकलेंगी या वो परफॉर्म कर पाएंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से। ऑल थ्रू द फॉलोइंग 6 मंथ्स न्यू बॉर्न चाइल्ड शो साइंस ऑफ लैंग्वेज डिवेलपमेंट। तमाम 6 माह में बच्चे की जो लैंग्वेज डिवेलपमेंट है उसके इंडिकेटर्स उसके इर्द गिर्द या उसके पेरेंट्स को मिल रहे होते हैं। फर्स्ट वर्ड बिटवीन 8 to 12 months ऑफ एज, 8 से 12 साल तक की उम्र में बच्चे अमूमन पहला लफ्ज अदा करते हैं। समटाइम्स बच्चे मामा कहते हैं, कोई पुप्पो कहता है, कोई अम्मा कहता है, कोई अब्बा कहना सीखता है। पहला लफ्ज जो है वो 8 से 12 माह तक की उम्र में तकरीबन बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। बेबीज फ्रीक्वेंटली शो देयर फर्स्ट कॉन्सेप्शंस ऑफ वर्ड्स। अ चाइल्ड फर्स्ट वर्ड मे बी द नेम ऑफ इंडिविजुअल्स, वो कुछ भी हो सकता है, आपी, बाजी, कोई भी लफ्ज हो सकता है, किसी इंडिविजुअल का नाम भी हो सकता है, बेबी, भैया। वेल नोन एनिमल्स, बिल्ली, मानो, इस तरह भी हो सकता है। टॉयज के नेम ले सकते हैं, बॉडी पार्ट्स के नेम ले सकते हैं, हाँ, और उसके अलावा गारमेंट्स एंड फैमिली थिंग्स के नेम ले सकते हैं। वो पहले जो जब वो सिंगल वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं अपनी लैंग्वेज को डिवेलप करने के दौरान। एंड 1.5 ईयर ओल्ड बेबी कैन टॉक अराउंड 50 वर्ड्स। बच्चा जब 1 से 1.5 साल तक की उम्र के फेज़ में होता है तो वो कर लेता है, क्या करता है, 50 अल्फाज को कम से कम, उसके जो ज़खीरा अल्फाज है उसमें 50 वर्ड्स होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि 50 वर्ड्स तक का ज़खीरा अल्फाज होता है 1 से 1.5 साल तक के बच्चे का। और उसके बाद ऑन द अदर हैंड नियर द एज ऑफ ऑलमोस्ट 2 ईयर्स दे कैन हैव वर्ड्स अराउंड 200। जब बच्चे की उम्र 2 साल तक पहुंचती है तो वो उसका 50 जो ज़खीरा अल्फाज का ख़जाना था वो 200 तक पहुंच जाता है। 2 वर्ड्स अटरेंस कब शुरू होती है, चिल्ड्रन ड्यूरिंग द एज ऑफ 18 to 24 months, यानी जब वो 1.5 से 2 साल तक की उम्र के दौर में होते हैं तो तब वो 2 अल्फाज यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में। टू गो ऑन एक्सप्रेशन विद जस्ट 2 वर्ड्स द किड्स डिपेंड्स वेरी मच ऑन मोशंस, मैनर्स एंड बैकग्राउंड। जब बच्चा 2 अल्फाज के ज़रिए अपनी बात का इजहार कर रहा होता है तो उसके साथ साथ उसे कुछ सिग्नल्स, कुछ इशारे भी देने पड़ते हैं अपनी बात को समझाने के लिए, क्योंकि सिर्फ 2 अल्फाज से वो अपने किसी जुमले को, अपनी किसी बात को शो नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम देखेंगे कि थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डिवेलपमेंट क्या क्या हैं। हमारे पास तीन तरह के प्रस्पेक्टिव्स हैं लैंग्वेज डिवेलपमेंट के हवाले से। द लर्निंग प्रस्पेक्टिव, हम देखेंगे कि पढ़ने का जो सीखने का तनाजुर है उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्या रोल है। दिस पॉइंट ऑफ व्यू कंटेंट्स दैट
children copy when they see and hear kids learn from punishments. दो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें लर्निंग परस्पेक्टिव में आए हैं. एक ये कि बच्चों को जब जो उनके सामने लैंग्वेज का मुजाहिरा हो रहा है, जो वो सुन रहे हैं, जो उनकी लिसनिंग हो रही है, वही वो कॉपी करेंगे, वही वो सीखेंगे. और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि उनको पनिशमेंट के थ्रू सिखाया जाता है. यानी उनको जब वो ठीक तरह से नहीं बोलें तो आप उन्हें डांटें कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोलो ग्लास या फिर बुक, कोई भी लफ्ज़. तो ये एक वे ऑफ थ्योरी है हमारे पास, एक वे ऑफ लर्निंग के हवाले से. दूसरी है द नेटिविस्ट प्रस्पेक्टिव्स. नेटिविस्ट प्रस्पेक्टिव व्यूज दैट पीपल आर नेचुरली इंक्लाइंड टू लर्न लैंग्वेज. उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर यह सलाहियत रखी है कि उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी. आप उसके सामने बोलें ना बोलें, कुछ वो सुने ना सुने, वो बोलना सीख जाएगा. द इंटर एक्शनिस्ट प्रस्पेक्टिव. दूसरा है इंटर एक्शंस प्रस्पेक्टिव. इंटरक्शंस कहते हैं आर फॉर द व्यू दैट वी लर्न लैंग्वेज थ्रू आवर इंटरक्शन विद अदर्स एंड इट व्यूज लैंग्वेज डेवलपमेंट इन सोशल कॉन्टेक्स्ट. इनका ख्याल है कि जो समाजी रबते हैं, सोशल रिलेशनशिप हैं, बच्चे उनके थ्रू लैंग्वेज डेवलप करते हैं. और अगर वो बातचीत नहीं करें, इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तो उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगी. तो हमारे सामने तीन पस मंजर थे लैंग्वेज डेवलपमेंट के. एक ये कि कॉपी करके बच्चे सीखते हैं या जजा और सजा के ज़रिए सीखते हैं. दूसरा ये था कि बच्चों के अंदर तो कुदरत ने ये सलाहियत रखी है कि वो बोलना सीख लेंगे. और तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो सोशल लाइफ में बोलना सीखते हैं, लोगों के साथ बातचीत के थ्रू बोलना सीखते हैं. अब हम देखेंगे कि कंपोनेंट क्या हैं लैंग्वेज के हवाले से. तो एक है जी फोनिम्स. अ फोनिम इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ फोनोलॉजी. फोनोलॉजी जो है वो क्या चीज़ है, अभी हम इसके डिटेल में जाते हैं, लेकिन इसका बेसिक एक यूनिट है फोनिम्स. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट मे काज अ चेंज ऑफ मीनिंग्स विद इन अ लैंग्वेज. इट डज नॉट हैव मीनिंग्स बाय इटसेल्फ. इसके अपने एक स्मॉलेस्ट यूनिट है फोनिम. तो किसी एक लफ्ज से इसका जो है ना वो कोई मफहूम वाज़े नहीं होता जब तक कि दो तीन फोनिम्स मिलकर कोई एक वर्ड ना बनाए. एक वर्ड के अंदर कई फोनिम्स हो सकते हैं. हम देखते हैं कि फोनिम्स मैच अप टू द साउंड्स ऑफ द अल्फाबेट. ऑल्दो देयर इज नो नॉट ऑलवेज अ वन ऑन वन टू वन कनेक्शन बिटवीन अ लेटर एंड अ फोनिम. कोई भी वन टू वन कनेक्शन नहीं है किसी भी अल्फाबेट का, ए से जी या अलिफ से लेकर ये तक. लेकिन उनकी जो साउंड्स हैं, फोनिम्स हैं, उनके साथ मिलकर ही उस लफ्ज का, उस लेटर का, उस अल्फाबेट का पता चलता है, वो उसकी शनाख्त होते हैं. द वर्ड शेप हैज फाइव लेटर्स. अब आप देखें इसमें फाइव लेटर्स हैं, एस एच ए पी ई, लेकिन इसके तीन फोनिम्स हैं. फोनिम्स सिर्फ साउंड को कहेंगे. तो साउंड इसमें कौन सी है, शीन की आवाज, ठीक है, नंबर वन फोनिम. नंबर टू अ लॉन्ग ए. जैसे हम शेप बोलेंगे तो ए को लॉन्ग करके जरा बोलना पड़ता है शेप, तभी आवाज हमारी बनती है. तो दूसरा फोनिम ए की एक लंबी आवाज, और तीसरा फोनिम पी, पे की आवाज, पी शेप. जब एंड होगा लफ्ज शेप तो पी जो है वो तीसरा फोनिम होगा. इंग्लिश लैंग्वेज हैज अराउंड 45 डिफरेंट फोनिम्स विच आर एसोसिएटेड टू लेटर्स और कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स. यहाँ पर भी हमने देखा है कि ए एक फोनिम है, पी एक फोनिम है, लेकिन एस का अलहदा और एच का, एस और एच का कम्बाइन एक फोनिम शो कराया गया है शेप वर्ड में. इस तरह से 45 डिफरेंट फोनिम्स हैं. जबकि कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं आप लिखिए ज़रा चैट बॉक्स में, कमेंट्स में, कि कितने फोनिम्स होते हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के, कितने अल्फाबेट्स होते हैं.
नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि यस 26 फोनिम्स अल्फाबेट्स होते हैं, जबकि उनके फोनिम्स 45 हैं डिफरेंट. विच अ फोनिम्स कैन हैव अ स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन इन वन वर्ड एंड अ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन इन एन अदर वर्ड. क्यों ऐसा होगा कि अगर हम एक फोनिम को एक वर्ड में किसी और आवाज में बोलेंगे, लेकिन उसी फोनिम को जब हम किसी दूसरे वर्ड में बोलेंगे तो किसी दूसरी आवाज में बोलेंगे. जैसे हम साइकिल में अगर आप देखें तो सी वाई एक सीन की फोनिम दे रही है, लेकिन यही सी जब कहीं सेंटर में यूज होगा तो समटाइम्स ये काफ की आवाज भी दे रहा होता है. सी फॉर कैट जैसे हम कहते हैं, तो जी उर्दू में इसको किट में के, जैसे हम सिर्फ इस वक्त इंग्लिश की आवाज बात कर रहे हैं तो हम कैट की एग्जांपल लेंगे, तो वहां पर के सी जो है वो काफ की आवाज दे रहा है कैट, और उसका फोनिम जो है जब वाई के साथ मैच होता है तो फिर वो सीन की आवाज दे रहा होता है. अब हम देखेंगे फोनोलॉजी क्या है. देयर इज एन ऑलमोस्ट इनफिनाइट नंबर्स ऑफ पॉसिबल स्पीच साउंड्स दैट वी कुड ऑल ट्रांसलेटेबल ट्रांसक्राइब्ड. हाउएवर ओनली अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ दीज साउंड्स इज यूज्ड कंट्रास्टिवली इन अ लैंग्वेज. कुछ ऐसी भी आवाजें हैं, कुछ ऐसी भी साउंड्स हैं जिनको हम जब एक से दूसरे जुमले में, जब एक से दूसरे वर्ड पर जाते हैं तो उस तरह से उनको कंट्रास्ट यूज करते हैं लैंग्वेज में. द स्टडी ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर विद इन द लैंग्वेज इज नोन एज द फोनोलॉजी. एक जब हम आवाज की बातचीत, जब हम बातचीत के थ्रू अपने बातचीत के थ्रू किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन है वो पहचाना जाता है फोनोलॉजी के नाम से. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड टू फॉर्मुलेट द लैंग्वेज इज कॉल्ड द फोनिम. फोनिम्स की हमने पीछे बात की थी, तो एक आवाज जो थी किसी भी लफ्ज की, जैसे कैट में एक तीन फोनिम्स आ रहे हैं, सी की आवाज़ है, ए की आवाज़ है, टी की आवाज़ है, ठीक है. इसी तरह हैट में तीन फोनिम्स आ रहे हैं, जिस तरह से एच की आवाज़ है, ए की आवाज़ है और टी की आवाज़ है. लेकिन जब हम जुमले बोलेंगे, बातचीत करेंगे, तो डिफरेंट फोनिम्स जब इकट्ठे होंगे, डिफरेंट वर्ड्स जब इकट्ठे होंगे तो फोनोलॉजी बनेगी, ठीक है. अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी. द टर्म मॉर्फोलॉजी इज ग्रीक, ये यूनानी लफ्ज है, एंड इज मेकअप फॉर मॉर्फ मीन्स शेप फॉर ओलॉजी. अब बात हो रही है मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब है शेप फॉर्म, ठीक है. मीन्स द स्टडी ऑफ समथिंग, किसी खास चीज का मुताला. द टर्म इज ऑल्सो यूज इन बायोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. जब हम बायो में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एनिमल का या प्लांट्स का, ह्यूमन बॉडी का, तो तब हम जो साइंटिफिक टर्म्स यूज करेंगे उनको हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी. इसी तरह जियोग्राफी में, अगर जियोग्राफी में अगर आप पढ़ते हैं किसी भी एनवायरमेंट के हवाले से, रॉक्स के, चट्टानों के, तो फिर उनकी फॉर्मेशन के हवाले से जब हम बात करेंगे तो हम उसको उसकी जियोग्राफी की मॉर्फोलॉजी कहेंगे. इसी तरह लैंग्वेज की भी मॉर्फोलॉजी होती है, जाहिर है हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पर. मॉर्फिम्स इंक्लूड बेस वर्ड्स लाइक कैट, काउ एंड इफेक्ट्स लाइक अनप्लैंड. जब हम दो कंबाइन करते हैं अल्फाज तो अनप्लैंड, अनसीन, अनप्लेजेंट, रीप्ले, रीटेल, रीकॉल, तो ये एक स्ट्रक्चर है दो अल्फाज का जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे, ठीक है. सेंटेक्स, अब हम देखेंगे सेंटेक्स क्या चीज है लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से. सेंटेक्स इज
रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस एंड इट डिटरमिन विच वर्ड टू गो वेयर. अब हम देखते हैं जब हम कोई जुमला बोलते हैं, जैसे मैंने यही लफ्ज एक जुमला बोला कि जब हम कोई जुमला बोलते हैं तो इसमें हमने देखना है कि जब को कहाँ रखना है, जुमले लफ्ज को कहाँ रखना है, बोलने को कहाँ रखना है. हम अगर हम ये कहें कि बोलते हैं जब हम जुमला, तो क्या ये स्ट्रक्चर ठीक होगा? नहीं होगा. तो इसी तरह हम जब जो जुमले का या सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको, उससे रिलेटेड जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का फेज है उसको कहेंगे सेंटिक्स. ड्यूरिंग ऑफ सेंटिक्स अलाउज अस टू अंडरस्टैंड द रूल्स अबाउट हाउ लैंग्वेज वर्क्स. हमें अंदाज़ा हो जाता है रूल्स का, हम लैंग्वेज के वो रूल्स जब सीख लेते हैं कि कहाँ वर्ब आएगा, कहाँ पे जो है आपका नाउन आएगा, कहाँ हेल्पिंग वर्ड्स आएंगे, तो फिर हम उसको सेंटिक्स फेज ऑफ लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं. इन इंग्लिश द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस इज अ नाउन एंड अ वर्ब फ्रेज. छोटा इंग्लिश का जो जुमला है सबसे, उसकी एग्जाम्पल सेंटिक्स की क्या है कि उसके साथ एक नाउन हो और एक फ्रेज हो जिसमें वर्ब भी शो है. एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स कैन बी एडेड टू द सेंटेंस टू प्रोवाइड फर्दर मीनिंग्स. मजीद उसके जो मीनिंग्स हैं उनको इन्हेंस करने के लिए उसमें हम जुमले में एडजेक्टिव और एडवर्ब भी ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द इंग्लिश सेंटेंस द अहमद एट द एप्पल, यानी अहमद ने सेब खाया एंड द एप्पल एट द अहमद, डू नॉट मीन्स द सेम मीनिंग्स. अगर हम दूसरी दफ़ा ये स्ट्रक्चर ठीक ना हो और हमें सेंटिक्स का ना पता हो तो हम कहेंगे एप्पल एट द अहमद, यानी हम कहना चाह रहे हैं सेब, अहमद ने सेब खाया, लेकिन एप्पल एट द अहमद का मतलब कुछ और बन जाएगा. तो इस तरह से जो प्रॉपर अप्रोप्रिएट इस्तेमाल है मुख्तलिफ अल्फा जुमलों जुमले में मुख्तलिफ वर्ड्स का, उसको उस स्ट्रक्चर को सेंटिक कहते हैं. इवन दो दे कॉन्टेन द एग्जैक्ट सेम वर्ड्स. ये सारे जो हमने सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर दिया, अहमद एट द एप्पल, इसमें देखें कि अहमद लफ्ज़ भी है, एट भी है, खाना भी है, एप्पल भी है, दी भी है, लेकिन इन सब का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट अगर कर दिया जाए और उनको हम मुख्तलिफ जगहों पर अल्फाज को ले जाएं तो वो आपका जो है, यस ये फनी सेंटेंस है, तो वो आपका जो लफ्ज़ है वो उसके जुमले के अल्फाज जो है उसका स्ट्रक्चर ठीक ना होने की वजह से डिफरेंट हो जाएगा वो सेंटेंस और उसका सारा मतलब. अब हम देखेंगे सिमेंटिक्स. सिमेंटिक्स क्या होता है? सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग्स. अभी तक हमने सीखा आवाज़ें किस तरह से, फिर उसके बाद हमने दो लफ्ज़ों को कंबाइन करना सीखा, फिर हमने स्ट्रक्चर बनाना सीखा सेंटेंस का, लेकिन अब हम सीख रहे हैं कि मीनिंग्स क्या होंगे. जब हम कोई वर्ड अपनी वोकेबलरी से निकाल के उसको हम ऐड करें किसी जुमले में, तो उस लफ्ज़ के क्या क्या मतलब लिए जा सकते हैं सुनने वाले की तरफ से. व्हाट इज मीनिंग्स, मीनिंग्स क्या है. हाउ इज मीनिंग्स क्रिएटेड इन लैंग्वेज, लैंग्वेज में क्या क्या मफहूम निकाले जा सकते हैं. अगर हम मिसाल दें कि मेरे ग्लासेस टूट गए, अब ग्लासेस से मुराद दो तीन ग्लास आपके टूट गए या फिर आपकी ऐनक टूट गई है, तो इस तरह की जो मीनिंग्स हैं हमने उनको देखना है बोलते वक्त कि हम जो सेंटेंस में वर्ड्स यूज़ करें उनके एक्चुअल मीनिंग्स कौन से हैं और क्या क्या मीनिंग्स अखज किए जा सकते हैं हमारे लिसनर की तरफ से, सुनने वाले की तरफ से. हाउ डू पीपल अंडरस्टैंड लैंग्वेज एंड वाई वी डू अंडरस्टैंड इट लाइक वी डू. हम देखेंगे कि लोग जो हैं वो उसको कैसे समझेंगे जो लफ्ज़ हमने यूज़ किया है, और हम उसको क्यों ऐसा समझते हैं, और ऐसा समझना हमारे लिए डिफरेंट क्यों है हमारा दूसरों के साथ. वन ऑफ द मेन रीज़न वी यूज लैंग्वेज इज टू पास मीनिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड सिमेंटिक डील्स विद इट. हमारा एक मकसद लैंग्वेज की डेवलपमेंट का अब यही है कि अपनी बात को हम दूसरों तक पहुंचा सकें. ठीक है, अगर हमारा मफहूम हम दूसरों तक ना पहुंचा सकें, जो हम कहना चाह रहे हैं वो उन तक कन्वे ना हो और हम प्रॉपर यूज़ ना करें किसी वर्ड्स का अपने सेंटेंस में, तो वो हमारी बात फिर उस तरह नहीं कन्वे होगी, उस तरह से नहीं
समझी जाएगी जिस तरह से हम समझाना चाह रहे हैं, तो इस डेवलपमेंट को, इस एबिलिटी को सिमेंटिक्स कहते हैं, ठीक है। और सिमेंटिक जो है वो डील करती है इस तरह के वर्ड मीनिंग को। जी, तो हम बात कर रहे हैं कि वन ऑफ द मेन रीज़न वी यूज लैंग्वेज इज टू पास्ट मीनिंग्स, हम मीनिंग्स को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। सिमेंटिक रेफर्स टू द वे इन विच अ लैंग्वेज कन्वेज मीनिंग्स, ये उस रास्ते की तरफ, उस मामले की तरफ हमारी हेल्प करती है जहाँ पर हम अपने मीनिंग्स को, अपने बात के मफहूम को दूसरे तक पहुंचा सकें। सिमेंटिक्स मूव्स बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स इन लैंग्वेज एंड इन अ कल्चर डिपेंडेंट, किसी कल्चर में एक लफ्ज का कुछ और मतलब होगा, ठीक है, दूसरे कल्चर में। अब आप स्त्री लफ्ज ले लें, स्त्री है गलबन, मैं अगर ठीक एग्जांपल दे रही हूँ तो ये एक इंडियन अगर लैंग्वेज में देखें तो ये कहीं बीवी या औरत के लिए शायद यूज़ किया जाता है, जबकि हमारे यहाँ कपड़े प्रेस करने वाले के लिए यूज़ किया जाता है स्त्री, जो आयरन यूज़ होती है। तो इसी तरह ये जो सिमेंटिक है इसका, ये बहुत वास्ट है, इसका जो है ना ये एरिया ऑफ वर्क जो है काफ़ी बियॉन्ड है लिटरल मीनिंग से, कि उसके लिखे हुए मानी क्या हैं। क्योंकि स्त्री को अगर हम उर्दू में देखें तो वो स्त्री, और अगर हिंदी में देखें तो वो एक औरत का नाम है। तो इस तरह से लिटरल मीनिंग्स तो फिर हर लैंग्वेज के लिहाज से डिफरेंट होंगे, लेकिन सिमेंटिक हमें हेल्प करती है कि हम जिस लैंग्वेज को भी बोल रहे हैं, वो हमारी मदर टंग है या मदर लैंग्वेज है या फिर हमारी कोई इंग्लिश लैंग्वेज है या कोई फॉरेन लैंग्वेज है, तो हम उसके अंदर प्रॉपर वही लफ्ज़ यूज़ करें उसी लैंग्वेज का जो हमारी बात के मफहूम को कन्वे कर सके, जो हम करना चाह रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं। इन इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस, इसमें ये एक इंसानी जो एक्शंस हैं लैंग्वेज के साथ साथ, वो उसकी स्टडी को भी सिमेंटिक कहते हैं। थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक साइंस, इसमें शामिल हैं हमारे एक्शंस, हमारी सोच विचार, या फिर हमारे जो जबान के कन्वे करने के, हमारी बात को कन्वे करने के इंडिकेटर्स, इशारे, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन रियल सिचुएशन। असल में अगर हम बात कर रहे होते हैं तो फिर हम रियल सिचुएशन में जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो जुमले इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम किसी को दूर से बुलाना होता है तो हम कहते हैं इधर आओ, और हाथ के इशारे से उसको कम इन का जो हम साइन दे रहे होते हैं, तो वो भी सिमेंटिक कहलाएगा, क्योंकि वो एक बात का मफहूम है जो हम समझा रहे हैं उसको किसी भी इंडिकेटर के थ्रू या अल्फाज के थ्रू। प्रैग्मेटिक्स रेफर्स टू द वे द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी यूज लैंग्वेज, प्रैग्मेटिक्स वो होते हैं जो कि प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों को प्रैक्टिकली करने वाले लोगों को प्रैग्मेटिक कहा जाता है। वो रेफर करते हैं कि जो कम्युनिटी यूज़ कर रही है लैंग्वेज वही यूज़ की जाए प्रैक्टिकली, यानी जो सोसाइटी में जो लैंग्वेज, यो जो बात वो जिस तरह समझते हैं, यानी ग्लास का मतलब ग्लास समझते हैं, ग्लास का मतलब शीशा नहीं समझते हैं। तो प्रैग्मेटिक जो होते हैं प्रैक्टिकली अमल करने वाले, आप फिलॉसफी में ये लफ्ज़ सुन चुके होंगे, वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज को जिस लफ्ज़ के मफहूम को जैसे सोसाइटी लेती है उसको उसी तरह से यूज़ किया जाना चाहिए। द वे दे स्पीक टू देयर पेरेंट्स इज नॉट द सेम वे वी स्पीक विद आवर फेलो चिल्ड्रंस, जैसे हम घर पर अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, वही लैंग्वेज, वही अल्फाज, वही कल्चरल वर्ड्स हम स्कूल में अपने फेलोज के साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते। द लैंग्वेज यूज इन अ फॉर्मल कन्वर्सेशन मे हैव लेस resemblance to what we could hear at a lunch with our fellow children. कोई ऐसी फॉर्मल मीटिंग हो रही है या कोई आपकी क्लास हो रही है, जैसे अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि जो लैंग्वेज, जो बातचीत, जो अल्फाज मैं यहाँ इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं यूज़ कर रही होती हूँ। वहाँ पर हम थोड़े चेंज वर्डिंग में होते हैं, वहाँ हम एक जो है ना ऐसे माहौल में होते हैं जो मोर फ्रैंक माहौल है,
और क्लास का और डिसिप्लिन वाली जगह जैसे मीटिंग हो वहाँ पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो और वो उसके अल्फाज और अंदाज डिफरेंट होगा, जबकि जब आप किसी दोस्तों के साथ या किसी फ्रैंक माहौल में हैं तो वहाँ पर आपका जो अंदाज है वो और चुनाव है अल्फाज का वो डिफरेंट होगा. द कन्वर्सेशनल स्टाइल दैट वी यूज इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन इज मच मोर डिफरेंट फ्रॉम दैट वी लैंग्वेज वी यूज व्हेन वी आर रीडिंग अ स्टोरी बुक फॉर अ किड. जब हम दिन के अपनी डेली लाइफ में जो हम बातचीत के दौरान जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो टोटली डिफरेंट होती है उन बुक्स से जो हम स्टोरीज में पढ़ते हैं. जब हम वहाँ पर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि उसने नमाज अदा की, एक लफ्ज़ है. मतलब हम इसको अगर हम कहीं रीडिंग में बुक्स में कहीं पढ़ेंगे तो फ़लाँ ने नमाज अदा की, और आम ज़िंदगी में हम कहते हैं उसने नमाज पढ़ ली है. तो ये एक डिफरेंस है आपकी रोज़ाना की बातचीत के दरमियान और आपकी जो अदबी गुफ्तगू होती है, अदबी राइटिंग्स होती हैं या कन्वर्सेशन होती हैं उनके दौरान. तो उसके बाद हम देखते हैं प्रैग्मैटिक्स डील विद नोइंग द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टाइल्स एंड वेन टू यूज विच स्टाइल. जो प्रैक्टिकल अमल करने वाले लोग हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने वाले लोग हैं, वो दोनों तरह के जो स्टाइल ऑफ टॉक है, स्टाइल ऑफ कन्वर्सेशन है, स्टाइल ऑफ लैंग्वेज है, वो यूज़ करना, उनका इस्तेमाल करना जानते हैं कि किस तरह से आप को मीटिंग के दौरान या लोगों के दौरान किस तरह बात करनी है, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपने अल्फाज और जुमलों का चुनाव और स्ट्रक्चर कौन सा इस्तेमाल करना है. हमने कंपोनेंट्स पीछे कुछ स्लाइड्स पीछे पढ़े थे, तो अब हम देखेंगे कि उन सब की एक समरी हमने इस स्टेज पर बयान की है. फोनिम्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज एंड इज कंसर्न विद द साउंड्स ऑफ अल्फाबेट्स. हमें अच्छे से याद होगा आप लोगों को कि जो फोनिम्स की बात हुई थी तो मैंने आपको शेप वाली एक एग्जांपल दी थी, तो वो किसी ए यूनिट है एक लैंग्वेज का. फोनिम्स जो है वो एक यूनिट है और इसका ताल्लुक अल्फाज जो हम बोल रहे होते हैं उनकी साउंड्स से होता है, उनकी आवाज़ों से होता है. फिनोलॉजी डील्स विद द साउंड्स इन अ लैंग्वेज, वो भी फिनोलॉजी भी साउंड्स की तरफ डील करी होती है, लेकिन वहाँ पर फोनिम्स में आपने एक लफ्ज़ की आवाज़ में कितने फोनिम्स ऐड हो सकते हैं, 3-4, जबकि फिनोलॉजी में एक स्ट्रक्चर की जो एक पूरे लफ्ज़ की जो साउंड है उसकी बात हो रही है. मॉर्फोलॉजी इज़ रिलेटेड टू द वोकैबुलरी बिल्डिंग. मॉर्फोलॉजी में मुख्तलिफ अल्फाज का ज़खीरा जो है उसकी बिल्डिंग के हवाले से जो है सारा डिस्कस किया गया था. सेंटिक्स डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एंड सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन इट, जिसमें हमने अहमद सेब खाता है और सेब अहमद खाता है की एग्जांपल दी थी. सेमेंटिक्स स्टडीज मीनिंग्स इन आ लैंग्वेज. मीनिंग्स का भी पहले हमने सेंटिक्स की बात की, तो ये स्ट्रक्चर की बात थी, अल्फाज को जुमले में कहाँ कहाँ फिट करना है उसके हवाले से. सेमेंटिक्स जो है वो अल्फाज के डबल मीनिंग्स के हवाले से जो सारे डिस्कशन थी वो उस तरफ रेफर करती है. और प्रैग्मेटिक्स स्टडीज ह्यूमन एक्शंस एंड देयर एक्सप्लेनेशंस बाय साइंस इन लैंग्वेज. तो वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज भी डेवलप हो रही है उसके साथ साथ उसके इंडिकेटर्स भी प्रॉपर उसी का साथ दे रहे हों जो वो कह रहे हैं. इन चीज़ों की हमने समरी जो है वो देख ली. अब देखेंगे कि एनवायरनमेंट का क्या ताल्लुक है, क्या असर है लैंग्वेज डेवलपमेंट पर. लैंग्वेज डेवलपमेंट इज एन एवर चेंजिंग प्रोसेस. साफ जाहिर है आपने हम स्टार्ट में लेक्चर के देखा था कि लैंग्वेज की जो स्टार्ट है डेवलपमेंट वो बेशक पैदाइश के साथ साथ हो जाती है, लेकिन वर्ड अदा करना, कोई लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन करना, बोलना बामानी लफ्ज़ कोई बोलना या यूं कहें तो वो अलबत्ता उस वक्त के लिए वो प्रॉपर वर्ड है नहीं है, लेकिन वो अब्बू अम्मी पुप्पो बाजी जो भी लफ्ज़ वो बच्चे बोल रहे होते हैं, चाहे वो अब्बू को अम्मा कह रहे हों
ये मैं नहीं कह रही कि वो उस प्रॉपर वही उस बंदे का ही नाम ले रहे हैं, लेकिन एक अम्मा एक वर्ड तो है ना, तो उसको 6 माह से लेकर 8 माह तक की उम्र को जो है वो उस वक्त ये डेवलपमेंट शुरू होती है और फिर एक एवर चेंजिंग प्रोसेस के तौर पर जारी रहती है। इट इज़ फेयरली अ प्रोसीजर दैट इज़ ऑलवेज एडवांसिंग, ये ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। द रेट ऑफ दीज डेवलपमेंट्स इज अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट विच प्लेज एन एसेंशियल पार्ट इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ किड। तो ये सारा जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो एनवायरमेंट से, माहौल उसमें यानी बहुत अहम किरदार अदा करता है, उसके बहुत असरात होते हैं। लैंग्वेज रिसर्चर्स सीज द सिमिलर एटीट्यूड इन टीनेजर्स लैंग्वेज एक्विजिशन वेयर एवर थ्रू आउट द वर्ल्ड। सारी दुनिया में ही टीनेजर जो बच्चे हैं उनके दरमियान एक सिमिलर एटीट्यूड, एक जैसा रुझान पाया गया, एक जैसा बिहेवियर उन्होंने शो कराया लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से। लैंग्वेज रिसर्चर्स की ये राय है। नेक्स्ट उस पे देखते हैं तो डिफरेंट परस्पेक्टिव्स एग्जिस्ट दैट एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट पर जो माहौल के असरात हैं उनके बारे में मुख्तलिफ आरा मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। स्किनर बिलीव्स दैट लैंग्वेज इज गेंड इन द सेम मैनर्स एज बिहेवियर। स्किनर का हमने एक बार बिहेवियर डेवलपमेंट के हवाले से, मॉरल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के हवाले से नज़रिया पढ़ा था, तो वो कहता है कि मेरा यानी सेम नज़रिया उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से भी है। एंड अदर पर्सपेक्टिव सीज इनहेरिटेंस एज वाइटल इन इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो दूसरा एक तनाजर ये भी है कि माहौल के साथ साथ विरासत भी अहम किरदार अदा करती है लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से। समटाइम्स मैं यहाँ आप अब थोड़ा सा मैंने चूँकि आप लोगों का भी इंटरव्यू किया है तो थोड़ा मुझे अंदाज़ा हुआ है कि जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ मोस्टली सराइकी एक मदर लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, और वहाँ पर कुछ बच्चे टे और ते की जो आवाज़ है उसमें डिफरेंस नहीं मालूम कर पाते हैं, वो घड़े को घरा कह रहे होते हैं। इस तरह पंजाबी अगर आप लाहौरी स्टाइल में देखें तो वहाँ रे जहाँ इस्तेमाल करनी है वहाँ एक्स्ट्रा यानी अड़े इस्तेमाल की जाती है। तो किधर जा रहे हैं तू, किधर जा रहे हैं तू, इस तरह करके मतलब डिफरेंट जो लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस हम विरासत के तहत हम इस तरह से इसकी एग्जांपल्स को रिलेट कर सकते हैं। सो सम व्यूज दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू आउट कॉग्निटिव स्किल्स बट सम अदर अटैच सोशल कॉन्टेक्ट टू इट। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हैं कि बच्चों की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है यानी समझ बूझ की जो अक्ल और जहानत और फहम की डेवलपमेंट है वो अहम किरदार अदा करती है बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट में, लेकिन कुछ दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनकी सोशल अटैचमेंट भी अहम किरदार अदा करती है लैंग्वेज डिवेलपमेंट के हवाले से। अब हम देखते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट एट प्री स्कूल एंड किंडरगार्टन लेवल। किंडरगार्टन और प्री स्कूल, अब बार बार इसकी वजाहत करने की होपफुली आपके लिए ज़रूरत नहीं है, मुझे इससे आप बहुत दफ़ा इस इन अल्फाज से फेमिलियर हो चुके हैं सुन सुन के पिछले 6 यूनिट्स में। फ्रॉम बर्थ रिसेप्टिव लैंग्वेज एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, दो तरह की लैंग्वेज होती हैं, हमने इसी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था। और इसके फिर आगे फेजेस हैं कि जब हम बात कर रहे हैं किंडरगार्टन लेवल की या प्री स्कूल लेवल की, तो ये एज आपको पता है 3 से 6 साल तक की होती है या 5 साल तक की होती है या 4 से 5 साल तक की होती है, बस इस तरह की होती है जब बच्चे खेल खेल में पढ़ना तो सीख रहे होते हैं लेकिन अभी प्रॉपर जो है वो एक एनवायरनमेंट उनको लर्निंग वाला जिसको कहें कि कॉपी पेन और कागज़ और रूल्स और इन चीज़ों के तहत वो अभी नहीं होते हैं। पहला है जी बर्थ वाला रिसेप्टिव में उनके अंदर क्या क्या खूबी होती है। लैंग्वेज लर्निंग बिगनिंग सिंस चाइल्ड बर्थ, बच्चों की जो बिल्कुल जी लैंग्वेज लर्निंग शुरू हो जाती है उनकी पैदाइश के साथ, दे पे अटेंशन टू द वर्बल कम्युनिकेशन, जब भी बातचीत हो रही होती है वो उसकी तरफ मतवज्जे होते हैं। दे वेकअप बाय लाउड नॉइज एंड फील स्टिल ड्यू टू द नॉइज। आप देखें छोटे बच्चों को जब आप वो सो रहे होते हैं कोई ज़ोर से बोले वो एकदम से उठ जाते हैं, क्यों? आखिर उनको उनकी लिसनिंग स्किल होती है,
जो बेशक वो बोल नहीं पाते हैं लेकिन वो सुन रहे होते हैं, तो उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होती है कि ऊंची आवाज़ कोई चीज़ होती है। एक्सप्रेसिव अगर लिंग्विस्टिक फेज में आते हैं तो चिल्ड्रन फॉर्मुलेशन साउंड्स विच रियलाइज दैट दे आर काउंटरिंग एंग्री और जॉय, यानी वो जब बच्चे एक्सप्रेस करते हैं मुख्तलिफ अच्छी आवाज़ों को, जैसे आप कोई पोइम्स लगा कर दे देते हैं उन्हें, तो वो इन्जॉय करते हैं। उनकी उनकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज क्या होगी, वो खुश होंगे, वो स्माइल करेंगे, जो भी जेस्चर वो देंगे वो उनकी वही लैंग्वेज कहलाएगी उस वक्त, छोटे बच्चों की। फिर 3 मंथ की जो एज है उसमें आके रिसेप्टिव में क्या होगा, जी एट दिस स्टेज चिल्ड्रन फॉर्म आउट हाउ टू स्विंग टू अदर्स व्हेन दे टॉक, बच्चे इस तरह से, यानी वो जब कोई दूसरा बोलेगा वो उसकी तरफ कैसे मतवज्जे होंगे, ये बच्चे चीज़ें सीख जाते हैं 3 मंथ की उम्र तक। रिसेप्टिव यानी रिसीव करने लगते हैं जो वो लैंग्वेज, उस हवाले से सारी एग्जाम्पल हैं। द चिल्ड्रन स्माइल्स वैन लिसन टू द वॉइस, जब भी कोई आवाज़ सुनते हैं 3 माह के बच्चे तो स्माइल पास करते हैं। दे विल क्वाइट एट द नॉइज ऑफ इट ओन द ऑफ चांस दैट दे आर वीपिंग, वो एकदम से कोई आवाज़ सुनकर चुप कर जाते हैं रोते हुए, जब उनको कोई मदर की या केयर गिवर की आवाज़ आती है और वो उनको उसके लिए, यानी वो रिस्पॉन्स देते हैं, रिसीव कर रहे हैं उस आवाज़ को, और उसका जो है वो खामोश होना, वो सुनने के लिए उसको खामोश हो जाते हैं रोते रोते। एक्सप्रेसिव क्या होगा उस दौर में, 3 माह में क्या स्टाइल होगा जिससे एक्सप्रेस करेंगे अपनी लैंग्वेज। वन एन इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल कम इन टू द विजन, जो ही उनके वन जब एक कोई अहम इंसान उनके आंखों के सामने आता है, जो उनके इर्द गिर्द रहने वाला फेमिलियर बंदा होगा, द चाइल्ड स्माइल्स एट, वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। ये एग्जाम्पल बहुत आप लोगों ने ऑब्जर्व भी की हुई होगी अपनी रियल लाइफ में। उसके बाद द चिल्ड्रन रिपीट द इन इंडिकेटर्स साउंड्स अलॉट एंड कू एंड गो व्हेन दे आर सेटिस्फाइड, जब वो खुश होते हैं बच्चे मुतमईन होते हैं ऐसे करके करते हैं, मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं कि अब उन्होंने दूध पी लिया होता है, या वह सो के उठते हैं तो उनकी यानी सेटिस्फेक्शन जो उसका इजहार करने के लिए, वो जाहिर है उसको ही एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कहेंगे, जो अल्फाज जो आवाज़ें भी वो उस वक्त निकाल रहे होते हैं। 4 से 6 माह की उम्र में देखें तो रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या है, एट दिस स्टेज द चिल्ड्रन एक्ट इन रिस्पॉन्स टू नो, नहीं के जवाब में बच्चे यानी किसी भी बात के रिस्पॉन्स में पहले वो नहीं करना सीखते हैं। द चिल्ड्रन लाइक वाइज आर रिसेप्टिव टू अप्स एंड डाउन इन टोन ऑफ वॉइस एक्सेप्ट द टू द साउंड्स अदर देन स्पीच, वो पूरी बातचीत की बजाय मुख्तलिफ आवाज़ों को इंजॉय करते हैं उस वक्त, ठीक है, आवाज़ों को इंजॉय करते हैं 6 माह की उम्र तक। उनको बात का मफहूम नहीं समझ आ रहा लेकिन उस आवाज़ के उतार चढ़ाव से उन्हें, जैसे हम बड़े प्यार से कहते हैं ओए होए कोई बात नहीं मिला बच्चा आप चुप कर जाओ, अब उन्हें बात की नहीं समझ आ रही कि उन्हें चुप करने को कहा जा रहा है, लेकिन वो जो आवाज़ का उतार चढ़ाव है, जो इफेक्शन है आपकी आवाज़ में, वो कह सकती है बच्चे को कि भाई आप माँ आपको एक 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 अनअटर्ड मैसेज है जो कन्वे होता है कि ठीक है मुझे उस आवाज़ के उतार चढ़ाव से उसे समझ आ जाती है कि मुझे चुप कराया जा रहा है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज क्या होगी उसकी, मेमरिंग साउंड्स हैपन्स व्हेन वी प्ले विद देम, मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं जब हम उनके साथ खेलते हैं, आऊँ 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 इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं। दे प्रोडक्टिव प्रोड्यूस साउंड्स व्हेन दे आर इन्वॉल्व मेयरली इन एक्टिविटीज़, वो जिस भी एक्टिविटी में होते हैं वो हाथ हिला रहे हैं पाँव हिला रहे हैं तो कुछ ना कुछ आवाज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, साउंड्स निकाल रहे होते हैं मुंह से। द चिल्ड्रन बेबल्स एट दिस स्टेज एंड द चिल्ड्रन सीम्स टू बी टॉकिंग, ऐसे लगता है बच्चे बोलना चाहते हैं, वो अपने उनके होंठों की हरकत उनके फेस एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन जाहिर है वो 6 माह के बच्चे अभी कुछ बोल तो नहीं सकते होते हैं। ये अभी हमारा कॉन्टिन्यू है जी प्री स्कूल और किंडरगार्टन एज का जो डेवलपमेंट है लैंग्वेज की। 7 से 12 मंथ का फेज आ गया है, इसमें रिसेप्टिव लैंग्वेज है। द चिल्ड्रन एट दिस टाइम क्लियरली लिसन व्हेन वी स्पोक टू हिम, वह बिल्कुल सुन सकते हैं जब हम उनसे बात करते हैं। द चाइल्ड लुक्स एट द फेस व्हेन वी कॉल हिम बाय हिज नेम, जब हम उसकी उसके नाम से उसे पुकारते हैं, बेबी इधर देखो, तो वो ज़रूर आपकी तरफ देखता है।
चिल्ड्रन रियलाइज द नेम ऑफ फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स, मामा, फीडर, ग्लास. जब हम उसे 12 माह तक का, यानी 1 साल तक का जब बच्चा होता है 7 माह से, तो वो अपने जो आवाज़ है, अल्फाज हैं कुछ, उनकी पहचान उसे, उनके मतलब उसे समझ में आने लग जाते हैं उन चीज़ों के, कि ये फीडर है और ये ग्लास है. द चाइल्ड यूटिलाइज स्पीच और डिफरेंट साउंड्स, कीपिंग इन माइंड एट द एंड गोल टू स्टैंड आउट इनफ टू बी नोटिस्ड. अब वो आपके जुमलों का मतलब समझने लगता है और नोट करने लगता है. एक्सप्रेसिव क्या होगी लैंग्वेज उसकी, चाइल्ड फर्स्ट वर्ड मोस्टली लाइकली नॉट टॉक्ड अनमिस्टेकबली हैव अपीयर्ड. यानी अचानक से बच्चा कुछ भी गलती से बोल देता है, जो मैंने पहले भी आपको बताया, कैटू, बाय बाय, टाटा, बाबा, इस तरह के अल्फाज हैं जो एक्सप्रेस करना बच्चा शुरू कर, यानी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में अगर आते हैं फेज में, तो 12 मंथ यानी 1 साल की उम्र तक, 7-8 माह के बाद से 1 साल की उम्र तक वो कोई इस तरह के बेमायनी या अल्फाज बोलना शुरू कर देता है. 1 से 2 साल तक की, अब हम देखते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या है. चिल्ड्रन फोकल पॉइंट इज पिक्चर्स इन द बुक व्हेन वी कॉल देयर नेम्स. जब हम तस्वीरें दिखाते हैं बच्चों को, कोई बुक दिखाते हैं जिसमें तस्वीरें बनी हुई हैं और जिसमें उस उन चीज़ों की तस्वीरें हों जिनसे वो फेमिलियर भी है, ग्लास है, कप है, तो जब हम उन्हें उसे पूछते हैं कि ये इसमें ग्लास कौन सा, बच्चा उंगली रख के उस पर बता देगा कि ये ग्लास है. यानी वो उस रिसीव कर रहा है आपके उस मैसेज को, उस बात को समझ रहा है कि आप उससे क्या पूछ रहे हैं. एंड दे कैन इंडिकेट बॉडी पार्ट्स व्हेन दे आर आस्क्ड. बिल्कुल इस उम्र में हम बच्चों के साथ बड़ा ये चीज़ हम उन्हें सिखाते हैं, ये देखो ये आपकी नोजी है, फिर ये उसको टच करके बताते हैं ये ईयर हैं, ये आपके हेयर हैं, ये लिप्स हैं. और जब दोबारा हम उनसे पूछेंगे नोजी कौन सी है, तो बच्चा अपनी नोजी को टच करेगा कि ये नोजी है, उसको रिसीव हो गया आपका मैसेज, वो रिसीव कर रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है अपने इंडिकेटर से ही. एक्सप्रेसिव में देखें तो बच्चे क्या क्या अल्फाज या इजहार किस तरह करते हैं. द चाइल्ड इज बिल्ड्स अप न्यू वर्ड्स एट टाइम गोज ऑन. जैसे वक्त बढ़ता जाता है वो वोकेबलरी उसकी बनने लग जाती है. दे कैन आस्क टू वर्ड क्वेश्चंस लाइक हुज पापा, किसके पापा, व्हाट्स कैट, बिल्ली क्या है. रिसेप्टिव लैंग्वेज और एज स्पैन इस वक्त है हमारे सामने 2 से 3 साल. एट दिस पॉइंट लिटिल चाइल्ड विल कम्प्रीहेंस टू स्टेज summons, get you shock, sock and place them into crate. कि अपनी socks उठाओ और उनको crate में रखो. और बच्चे वो वाला act करते हैं, तो ये एक receive कर रहे हैं आपके message को. and comprehends differentiating ideas or implications like hot, cool, stop, go, in, on and descent. जब हम उन्हें कहते हैं ये hot है इसे हाथ मत लगाओ, और बच्चा उसको हाथ नहीं लगाता है, ठीक है, इस तरह के ये जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपको रिसीविंग रिसेप्टिव लैंग्वेज के हवाले से एग्जांपल हैं इसकी. एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में आते हैं तो द बेबी मे इंक्वायर और अट्रैक्ट द अटेंशन फॉर समथिंग बाय आइडेंटिफिकेशन इट एप्पल और बाय इट्स ट्रेट्स रेड. जब हम उसे कहते हैं एप्पल कैसा होता है या रेड कौन सा, रेड एप्पल कौन सा है, 2 एप्पल उसके सामने, तो वो शनाख्त कर लेगा कि ये रेड एप्पल है, उसको टच करके बताएगा. अब हम बात करें 3 से 4 ईयर एज स्पैन की, और इसमें है जी रिसेप्टिव लैंग्वेज में द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड सिंपल क्वेश्चंस लाइक हुज, व्हेन एंड व्हाई. जब हम उनसे सवाल करते हैं कि किसने ये ग्लास तोड़ा और आप क्यों रो रहे हो, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं. एक्सप्रेसिव में जब दे कैन लिसन टू यू टू अस व्हेन वी कैन वी कॉल देम एंड इवन फ्रॉम आउट ऑफ रूम. जब बाहर से भी हम उन्हें पुकारते हैं तो वो सुन सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. एक्सप्रेसिव में देखें तो द चाइल्ड डिस्कस हैपनिंग कैंपेनिंग एंड इंटरेस्टिंग इनकाउंटर्स अराउंड हिम विद हिज फ्रेंड्स एंड मेट्स. वो अपने फ्रेंड्स और मेट्स के साथ डिस्कस कर सकता है अपनी खुशगवार चीज़ों को, और कोई कंपेन करनी है, कोई
किसी की कंप्लेन भी करनी है, किसी से नाराज़गी का इजहार करना है इवन, तो बच्चे जो हैं वो उस वक्त उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आखिरी जो हमारे पास स्टेज है वो है 4 to 5 ईयर। हम प्री स्कूल और किंडरगार्टन लेवल की बात करें, रिसेप्टिव लैंग्वेज एट दिस स्टेज चिल्ड्रन आर बीइंग एबल टू वैल्यू डिफरेंट स्टोरीज। यहाँ पर वो डिफरेंट स्टोरीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं कि कौन सी वाली सुने हैं कौन सी वाली ना सुने, अपनी चॉइसेस का इजहार कर सकते हैं। दे कैन आंसर एज क्रूशल क्वेश्चंस रिलेटेड टू देम। जब भी स्टोरीज सुनाकर आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे स्टोरी से रिलेटेड, तो वो इस बात को आंसर करने के काबिल हो जाते हैं। एक्सप्रेसिव में आए तो चिल्ड्रन टॉक इजिली इन अ क्वाइट ईजी टू लिसन मैनर्स। ऐसे तरीके से बातचीत कर सकते हैं जो हम आसानी से सुन सकते हैं। दे कैन डिवेल्प लॉन्ग एंड क्लियर कट सेंटेंसेस। वो बहुत लंबे और क्लियर साफ सुथरे जुमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी वेंट टू द होटल एंड एट फिश विच वॉज डिलिशियस। अब ये पूरा जुमला बच्चा बोल रहा है, इट वॉज अ ग्रेट फन फॉर ऑल ऑफ अस, रिलेट भी कर रहे हैं एक जुमले से दूसरे को। तो इस सारी जो एक्सप्रेसिव स्टेज है लैंग्वेज की, ये 4 से 5 ईयर तक हो जाती है, बच्चों में डेवलप हो जाती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एट एलिमेंट्री लेवल, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, दे टर्न आउट टू बी कॉन्शियस ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसीजर एंड परसेप्शन कनेक्टेड विद वर्ड्स, एंड दे टर्न आउट टू बी मोर लॉजिकल एंड देयर वे टू डील विद वर्ड्स। अब बच्चे जो हैं वो एलिमेंट्री लेवल पर इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने जो जुमले हैं, जो अल्फाज हैं, उनका चुनाव और उनका जो अक्ली और दलीली तौर पर अपने शऊर के साथ जो है वो उनका इस्तेमाल करते हैं अल्फाज का और जुमलों का। दिस लॉजिकली मैथडोलॉजी इज क्लियर इफ यंगस्टर्स आर रिक्वेस्टेड द फर्स्ट थिंग दैट रिंग्स अ बेल व्हेन दे हेयर अ वर्ड। तो उन्हें हम इसको मजीद लॉजिकल तरीके से सिखा सकते हैं कि वो एक बेल बजाएंगे जब भी वो एक लफ्ज़ सुनेंगे। इस तरह की एक्टिविटी है। दे फिगर आउट हाउ टू यूटिलाइज लैंग्वेज इन अ मोर एसोसिएटेड मैनर। यानी उनको अंदाज़ा होगा कि वो जो लैंग्वेज है उसको किस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं मैनर्स के साथ। दे कैन डिलीवर रिलेटिंग सेंटेंसेस टू ईच अदर एंड क्रिएटिंग पोर्ट्रेरियल्स। यानी वो अक्कासी करते हैं अपने जुमलों के साथ, अपने एक्शंस की और अपने जुमलों की अदायगी में अपने फेस एक्सप्रेशंस के साथ, करेक्टराइजिंग स्टोरीज दैट हैंग टुगेदर एंड बोर्ड, यानी इंडिकेट करती हैं अच्छे तरीके से, ऐसी स्टोरियों की कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं जो कि उनको अंदाज़ा होता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो रखने वाली हैं और कौन सी चीज़ें करने वाली हैं। दे मस्ट हैव द कैपेसिटी टू डिस्पिक्ट थिंग्स ओरली बिफोर दे कैन बी रियलाइज्ड अपॉन टू डिस्ट्रॉय दोज कंपोज्ड असाइनमेंट्स। कि उन्हें अंदाज़ा होता है कि जो काम हमने किया है उसको किस तरह से हमने संभालना है और किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको जो लैंग्वेज के हवाले से उनको हेल्पफुल हैं नेक्स्ट उनके लिए, वो अपने माइंड में उन चीज़ों को संभाल के और उस वोकैबुलरी को और उस सारे स्ट्रक्चर को, उन चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं ताकि वो फर्दर अपनी लाइफ में उनका इस्तेमाल जारी रख सकें और अपनी लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज कर सकें। लैंग्वेज डेवलपमेंट एट एलिमेंट्री लेवल, मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, अवेयरनेस दैट लैंग्वेज हैज़ द पोटेंशियल मोर प्रोमिनेंट देन दैट ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड इमेजेस। अगर आप किसी भी तस्वीर और उसको इमेज को दिखाकर उनसे बात करेंगे तो वो उतनी वजाहत उनकी नहीं होगी जितना आपके कोई भी लैंग्वेज के थ्रू, कोई भी बातचीत के थ्रू कोई चीज़ समझाते हैं। अवेयरनेस दैट वर्ड्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर रेफरेंट्स मीनिंग्स। यानी उनको अंदाज़ा हो जाता है उस वक्त बच्चों को, जब हमने पीछे एक स्लाइड पर बात की थी कि एक लफ्ज़ के दो दो अल्फाज मफहूम भी हो सकते हैं, मतलब भी हो सकते हैं, तो उन्हें अंदाज़ा इस वक्त इस स्टेज पर
लैंग्वेज डेवलपमेंट के एलिमेंट्री स्टेज पर वो समझ सकते हैं कि एक लफ्ज़ का क्या मतलब हो सकता है या फिर दूसरा मफहूम उस लफ्ज़ का क्या हो सकता है. लाई इन आवर माइंड एंड नॉट इन द नेम्स. मिशेल इज़ मिशेल एंड दानियल इज़ दानियल. यानी जो दानियल है वो उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये लफ्ज़ दानियल है. अगर हम यूँ दूसरी एग्जाम्पल दें तो कप का मतलब उन्हें पता है कप है और मग का मतलब उन्हें पता है मग है. अब हम एक सेम एक जैसे ऑब्जेक्ट का नाम ले रहे हैं लेकिन उनके साइज के लिहाज से उन्हें मग या कप कहा जाता है. तो ये डिफरेंस उन लोगों को इस उम्र में बच्चों को समझ आने लग जाता है लैंग्वेज का. अवेयरनेस दैट लैंग्वेज हैज़ अ स्ट्रक्चर दैट कैन बी कंट्रोल्ड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इज़ इम्प्रेशनेबल. यानी वो ऐसी उनको अंदाज़ा हो जाता है कि वो अपने जो सेंटेंसेस हैं उनके स्ट्रक्चर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो कैसे सही अल्फाज को पुट करके अपने जुमले को अपनी बात को अच्छे से कन्वे कर सकते हैं. थिंग्स कैन बी चेंज एंड कंपोज इन अ वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज. फॉर इन इंस्टेंस इफ समथिंग इज कंपोज इन लिंग्विस्टिकली एररनेस मैनर्स यू कैन ट्रांसफॉर्म इट. यानी इस वक्त के जो बच्चे की एज है प्राइमरी लेवल सॉरी एलिमेंट्री लेवल पे, तो यहाँ पर बच्चों को अंदाज़ा वो आप उनको जब उर्दू या किसी भी लैंग्वेज का टेस्ट देते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि ये सेंटेंस आप गलत जुमले दे देते हैं, जैसे यही कि सेब खाया गया अहमद से, तो वो उन जुमलों का स्ट्रक्चर सही करने की सलाहियत अब उनके पास होती है. अब आपके लिए एक एक्टिविटी है जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आपने कुछ एक्टिविटीज़ डेवलप करनी है लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से एलिमेंट्री लेवल पर. और वो एक्टिविटीज़ हर स्टूडेंट एक एक्टिविटी डिज़ाइन करेगा अपने तौर पर. और मैं कल आप लोगों से पहले वो ओवरव्यू लूँगी आपकी एक्टिविटीज़ का जो आपने सेलेक्ट की होंगी एलिमेंट्री लेवल पर बच्चों के लिए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे. और योर पेशेंस